हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है एग करी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एग करी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने एक बाउल में यहाँ अंडे लिए हैं। यहाँ मैंने 8 अंडे लिए हैं। मैंने अंडों को अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है और उन्हें पानी में डाल दिया है। आप जब भी अंडे उबालें तो ध्यान रखें दोस्तों, हमेशा पानी अंडों के ऊपर तक रहना चाहिए, पानी कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंडे आपस में टकरा करके टूट जाएंगे। इस तरीके से हमें अंडे को उबालना है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑन करती हूँ। अब हम बर्तन को गैस पे रख देते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। नमक से अंडे टूटते नहीं हैं, इसलिए जब भी आप अंडों को उबलने के लिए रखिए तो उसमें नमक ज़रूर डालिए। उबालते समय अंडे टूटते नहीं हैं। ये देखिए दोस्तों, अब मैंने बर्तन से ढक दिया और अब जब तक कि अंडे उबल के तैयार होते हैं मसालों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है कश्मीरी मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, जीरा, 4 मीडियम साइज़ के प्याज। यहाँ पर मैंने दो प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। इसका हम पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में डाल के। 8 से 10 लहसुन, लौंग के 4 फूल, 2 बड़ी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च, बहुत छोटा सा टुकड़ा जायफल का। हमें जायफल ज़्यादा नहीं लेना है, मसाले में जायफल कड़वा टेस्ट लाता है। 2 चुटकी जीरे का। ये सभी मसालों को हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। 2 दालचीनी, 2 पत्ते तेज पत्ते के, 2 मैंने टमाटर के लिए इनका मैं पेस्ट बना लूँगी। तो चलिए दोस्तों, हमारे अंडे उबल करके तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें ठंडे पानी में डाल करके ठंडा कर लेंगे और छील करके साफ़ कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम सभी अंडों को छील करके साफ़ कर लेंगे। सभी ठंडे हो चुके हैं, साफ़ करके सबको रख लेंगे एक साइड में इस तरीके से। हमारे अंडे छील करके साफ़ हो चुके हैं। अब मैं मसाला तैयार करती हूँ। मैंने सभी मसालों को एक मिक्सर जार में डाल दिया है। प्याज को भी डाल दिया मैंने। अब मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ थोड़ा सा, और इसे बारीक पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए दोस्तों, हमारे मसाले पीस करके तैयार हो गए हैं, बारीक पेस्ट बन गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑन करती हूँ। यहाँ पर मैं एक नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज कर रही हूँ। आपके घर में जो भी बर्तन अवेलेबल हो आप उसका यूज कर सकते हैं। मुझे खाने में मस्टर्ड ऑयल अच्छा लगता है, इसलिए मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसमें सभी अंडों को डाल करके फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से पहले इस तरह से इनमें छेद करना ज़रूरी है, नहीं तो ये तेल में जाते ही इनके अंदर गैस बन जाती है और ये बहुत तेज़ी से फूटते हैं और तेल उछल के आपके ऊपर आने का डर रहेगा। अगर आप इस तरह से छेद करके डालेंगे तो ये फूटेंगे नहीं। इस तरह से हम सभी अंडों में छेद कर लेंगे, उसके बाद हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें सभी अंडों को फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से मेरे घर में ऑयल कम खाया जाता है, इसलिए मैं थोड़े ही ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, हमारे अंडे फ्राई हो करके तैयार हो गए, इनका गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इन्हें कढ़ाही से बाहर निकालूंगी। तरीके से देखिए दोस्तों, मैंने सभी अंडों को बाहर निकाल लिया। हमारी कढ़ाही में पहले से तेल काफ़ी है, मुझे और तेल डालने की ज़रूरत नहीं है।
ये ऑलरेडी प्री हीटेड है। मैं इसमें जीरा पाउडर डालूंगी, तेज़पत्ते और दालचीनी भी डाल देती हूँ। इनका फ्राई होने के बाद बहुत ही अच्छा स्मेल आती है और टेस्ट आता है। थोड़ी देर इनको फ्राई कर लेते हैं। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। ये मैंने 4 प्याज रखे थे, उनको बारीक काट लिया। काटने के बाद अच्छे से गुलाबी हो जाने तक इन्हें भुनेंगे। मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है। इस तरीके से चलाते हुए हम थोड़ी प्याज को भून लेंगे। प्याज भुनती हैं हम टमाटर का प्यूरी बना करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी प्याज काफ़ी हद तक भुन चुकी है। इसे थोड़ी देर और भुनना है जब तक। ये देखिए दोस्तों, हमारी प्याज गुलाबी हो चुकी है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला मैंने, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा तीखा मिर्च पाउडर और 3 चम्मच हमें गरम मसाले के डालने हैं। हमें इसकी ग्रेवी को काफ़ी गाढ़ा बनाना है, इसलिए हमें मसाले ज़्यादा डालने पड़ेंगे। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से दोस्तों। थोड़ी देर के लिए कढ़ाई में चलाते हुए मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें मसाले वाला पेस्ट डालूंगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं मिक्सचर में काफ़ी सारा मसाला रह गया है दोस्तों, तो उसमें मैं पानी डाल करके उसमें का बाकी बचा हुआ मसाला भी मसाला कढ़ाई में डाल दूंगी और उन सबको अच्छे से भुनने के लिए छोड़ देंगे। यार दोस्तों, ये बात ध्यान रखने की है कि हम जब भी मसाला बनाते हैं सब्जी का, तो उसको अच्छे से भुनने के लिए उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ही डालें, क्योंकि मसाले भुनने में काफ़ी टाइम लेते हैं। अगर मसालों को अच्छे से नहीं भूनेंगे तो इसमें कड़वा टेस्ट आएगा दोस्तों। इस तरीके से मसाले को ज़रूर भून करके फ्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। मैं इसको थोड़ी देर लिड लगा करके छोड़ देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, पानी सूख चुका है। अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। इनको अच्छे से भुन जाने तक चलाते रहना है। ये देखिए दोस्तों, हमारे मसाले लगभग भून करके तैयार हो गए हैं। आपको कैसे पता चलेगा मसाले भुन गए हैं? जब मसाले भुन जाते हैं तो कढ़ाई का से चिपकते नहीं हैं, अपने आप ही ऑयल छोड़ने लगते हैं। जो हमने पहले ऑयल डाला था वो मसालों से बाहर आने लगता है। इसका मतलब कि मसाले भुन चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डाल करके इसे भी थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेती हूँ। अगर टमाटर को हम भूनेंगे नहीं तो टमाटर से कच्चापन आएगा और सब्ज़ी का टेस्ट बेकार हो जाएगा। इसलिए जब भी आप सब्ज़ी बनाएं तो टमाटर को भून करके अच्छे से फ्राई करके देखिए, कोई भी सब्ज़ी बनाएं बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए दोस्तों, हमारा टमाटर भी भून करके रेडी हो गया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, और ग्रेवी कम पसंद है तो 1 गिलास पानी ही रहने दीजिए। यहाँ मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि मसाले हमारे भून करके बिल्कुल सूख गए थे। इसलिए चलाते हुए अच्छे से सभी मसालों को मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसमें सभी अंडों को डाल दूँगी और 5 से 7 मिनट तक लीड लगा करके पकने के लिए छोड़ दूंगी। हमें बीच बीच में चलाते रहना है। ये देखिए दोस्तों, सब्ज़ी पकना स्टार्ट हो गई है। अभी हमारी सब्ज़ी पूरी तरह से पककर तैयार नहीं हुई है। ये सब्ज़ी के किनारे किनारे पे जो झाग जैसा आ रहा है, जब ये झाग ख़त्म हो जाएगा तो इसका मतलब सब्ज़ी पूरी तरीके से पक कर के तैयार हो गई है। ये देखिए दोस्तों, ये झाग ख़त्म हो चुका है। अब एकदम लाल कलर आ गया है सब्ज़ी का, इसका मतलब सब्ज़ी पक कर के तैयार हो गई है। अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लूँगी। इस
तरीके से ज़रूर बना करके देखिए, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए दोस्तों, सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसे राइस से भी खा सकते हैं, पराठे से भी खा सकते हैं और चपाती से भी खा सकते हैं। अब मैं एक करी को धनिए से गार्निश कर दूंगी इस तरीके से दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमारी सब्ज़ी बनकर के तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को